हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की स्टार्ट हमारे अनुपात और समानुपात के जो बचे हुए टाइप है उसके ऊपर बेस है, जिसके अंदर हम इसके कुछ 3 से 4 टाइप बचे हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में जाकर जिन्होंने पिछली क्लासेज नहीं देखी है वो भी जाकर जरूर देखें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। पहले करेंगे अपने होमवर्क जो अपना लास्ट क्लास का था। क्वेश्चन कर रहे थे अपने लास्ट क्लास के अंदर आय से संबंधित क्वेश्चन थे, इनकम से रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन थे वो अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, क्वेश्चन क्या था, भी 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी जिनके खर्च का रेशियो दे रखा था कितना 4:3:6 और उनकी बचत दे रखी थी 20%, 70% और 40%। क्या पूछा था, भी तीनों की आय दे रखी है टोटल, तो बताओ ए की आय, बी की आय और सी की आय क्या होगी, या अपने को ए अकेले की बतानी हो। अब सिंपल सी बात है, टोटल आय कितने परसेंट रहेगी 100% रहेगी, जिसमें से 20% खर्च कर दिया, बचत कर दी, तो खर्च कितने परसेंट है 80, इसने 70% बचाया है तो खर्च कितने परसेंट की है 30, इसने 40% बचाया है तो खर्च कितने परसेंट की है 60। अपने को तो आय निकालनी है क्योंकि टोटल आय दे रखी है, तो रेशियो भी किसका चाहिए, आय का चाहिए। अब बात करेंगे सबसे पहले ए की। ए का देखो खर्च के 80% खर्च के कितने रेशियो के इक्वल है 4 के, तो 80% की वैल्यू 4 के बराबर है, 1% की वैल्यू 4/80, टोटल निकालनी है आय कितने परसेंट है 100, 20 × 80 = 20 × 5 = 100, तो यानी ए की जो आय आएगी वो कितने रेशियो आएगी 5 रेशियो आएगी, क्लियर है। इसी तरह अपने बी का निकालेंगे, बी का क्या था 30% खर्च के कितने के बराबर है 3 के बराबर है, तो 30% की वैल्यू 3 के बराबर, 1 की वैल्यू 3/30, आय निकालनी है यानी कि 3 × 30 10 × 10 यानी कि 100, तो यानी कि इसकी आय कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसी तरह अपने निकाल लेंगे सी की, सी के खर्च के 60% कितने के बराबर है 6:6 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 6/60, टोटल आय निकालनी है इसकी भी 100, 6 × 60 10 × 10 = 100 यानी कि इसकी आय भी कितनी आ जाएगी 10, तो ये रेशो कितना बनेगा 5 × 5 = 10 × 10 टोटल आय कितनी आ जाएगी यहाँ से 1:2:2 तो टोटल आय कितनी है 45,000, तो आय के टोटल अनुपात कितने 2, 2, 4 और 1, 5, मतलब 5 अनुपात कितने में बांटने हैं 45,000 में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो यानी कि ये वाली होगी 9,000, ये हो जाएगा 18,000 और ये भी कितना हो जाएगा 18,000, क्लियर है चीज। ये अपना लास्ट क्लास का जो कंसेप्ट था होमवर्क का, उसका आंसर आएगा आपका ए की है 9,000, बी की 18,000 और सी की 18,000, क्लियर है चीज। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को, जो रिमेनिंग इसके कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा, वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जैसे अपना सोने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सोने के मूल्य से रिलेटेड। क्या कहेगा भी सोने का जो मूल्य है, सोने का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। क्वेश्चन आता है भी सोने का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने को यदि 1:2:3 में तोड़ दिया जाए तो 11,000 रुपए की हानि होती है, तो बताओ सोने का वास्तविक मूल्य क्या था, तो बताओ सोने का वास्तविक मूल्य क्या था। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, जो मूल्य है ना सोने का, ये मूल्य किसके बराबर है, जो भी भार है इसके भार के वर्ग के समानुपाती है, क्लियर है चीज। जो मूल्य है वो इसके भार के वर्ग के समानुपाती है, क्लियर है। अब अपने को यहां देखो, जो सोने को तोड़ा है वो किस अनुपात में तोड़ा है, 1:2:3, मतलब ये सोने के टुकड़े कर दिए, एक का हिस्सा कर दिए, 2 का एक देंगे। अगर इसको ना तोड़े तो बिना तोड़ने से पहले कितना होगा 3, 2, 5 और 1, 6, मतलब टोटल 6 भार का था,
टोटल 6 बार का था, तोड़ा किस हिस्से में, एक हिस्से में, फिर दो हिस्से में और एक तीन हिस्से में। क्लियर है? ये तो है इसका भार, ये तो तोड़ने के बाद है। अगर ना तोड़े तो टोटल कितने हिस्से होंगे उसके, 6 होंगे। अब अपने को तो निकालना है मूल्य, मूल्य किसके बराबर है, इसके भार के वर्ग के। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। यानी कि अगर ना तोड़े तो मूल्य के कितने अनुपात है, 36। अब मूल्य के कितने अनुपात रह जाएंगे, 9, 4, 13 और 1, 14। ये मूल्य जो है ये अगर ना तोड़े तो मूल्य के 36 अनुपात, तोड़ने के बाद मूल्य कितना रहेगा इसका, 14 अनुपात का। तो अपने को कितने अनुपात की हानि हुई है, अपने को कितने अनुपात की हानि हुई है, 22 अनुपात की हानि हुई है। तो हानि अपने को दे भी रखी है, मतलब 22 अनुपात कितने के बराबर दे रखे हैं, 11,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22×5 = 110। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। पूछा गया था अपने को सोने का वास्तविक मूल्य, पूछा गया सोने का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य यानी कि कितने अनुपात का है, 36 अनुपात का। तो 1 अनुपात की वैल्यू 500 है, तो 36 की कितनी हो जाएगी, 36×500, तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 15 और 3 = 18। तो सोने का जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था, 18,000। क्लियर ये चीज? तो अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाना है कि मूल्य था वो भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने को किस अनुपात में तोड़ा, 1, 2, 3। अगर ना तोड़े तो सोने वास्तव में कितना था, 6 था। मूल्य निकालेंगे भार का वर्ग, 36, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9। तो तोड़ने से पहले 36 था, तोड़ने के बाद कितने रह गए, 14। तो कितने अनुपात की हानि होगी, 22 की हानि होगी। क्लियर ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपने को ध्यान में रखने हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन एक और ले लें, भी मान लो सोने को 1, 2, 3, 4 में तोड़ दिया, ठीक है, और मान लो हानि होगी अपने को 21,000 की। तो बताओ सोने का वास्तविक मूल्य, अब देखो तोड़ा किस अनुपात में, 1, 2, 3 और 4। अगर ना तोड़ते तो कितने होते, 3, 4, 7, 2, 9 और 1, 10। ये तो है भार, अपने को तो मूल्य चाहिए, मूल्य क्या होगा इसका वर्ग, यानी कि 10 का वर्ग 100, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो कितना हो गया, 16×9=25, 4×29=23। यानी कि 100 से कितना रह गया, 30। तो कितने अनुपात की हानि होगी, 70 अनुपात की क्या हुई अपने को, हानि हुई है। तो हानि दे भी रखी है, यानी कि 70 अनुपात कितने के बराबर है, 21,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो पूछा गया था सोने का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य यानी कि कितने अनुपात का है, 100 अनुपात का है। तो एक की वैल्यू 300 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 30,000। क्लियर है ये चीज? तो ये भी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ये टाइप भी क्लियर हो गया, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट टाइप है भी कहेगा, अभी दो संख्याएं हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करें, अभी दो संख्याओं का अनुपात है, कुछ भी अनुपात ले लो, मान लो दो संख्याओं का अनुपात ले लिया 3:2, दो संख्याओं का अनुपात है, उनका संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 216 हो तो बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अब देखो दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, और क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है अपने को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 216 है। बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो ये संख्याएं नहीं है, ये अपने पास क्या है, उनके रेशियो है। संख्याएं कब बनेंगी, जब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर पता हो। मैंने मान लिया ये संख्या 3x है और ये संख्या कितनी है, 2x है। अब संख्या बनेगी, अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो अपने को कितने के बराबर दे रखा है, 216 के। तो 3×2 कितना हो जाएगा, 6x × x की स्क्वायर कितने के बराबर है, ये 216। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 216/6 कितना आ जाएगा, ये 3×6=18, फिर 3×6=36। तो एक्स की एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे क्या हो जाएगा, रूट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो 3×6 कितना हो जाएगा, 18, और 2×6 कितना हो जाएगा, 12। पूछा गया था आपसे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 12।
क्लियर ये चीज। तो ये क्वेश्चन भी अपने को ध्यान रखने, इनका मल्टीप्लाई दे देगा, इनका एडिशन दे देगा, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, भी क्वेश्चन दे दिया दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे दिया 5:4। अगर दे देगा अपने को भी इनका योगफल, इन संख्याओं का योगफल 72 हो तो बताओ वे संख्याएं, तो बताओ वे संख्याएं क्या होंगी। अब सिंपल सी बात है, एक संख्या 5x है, एक 4x है, टोटल योग पूछा है, योग यानी कि 9x, 9x की वैल्यू 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 8×5=40 और 8×4=32, तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी 40 और 32। क्लियर ये चीज। ये जो आपका कंसेप्ट थे नॉर्मल से क्वेश्चन दे, ये रह गए थे। अब जो अपनी बात आती है, अभी तक जो अपने सीख रहे थे वो सारा का सारा क्या सीख रहा था अपनों ने, अनुपात के बारे में सीखा था। अब बात किसकी आती है, समानुपात की। किसकी बारी आएगी अपनी, समानुपात की। तो इसके बारे में सीखेंगे अपने इस क्लास के अंदर, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समानुपात, समानुपात के अगर अपने इसके टुकड़े करें क्या बनेगा, समान प्लस में अनुपात, यानी कि इक्वल रेशियो। जैसे कि ए रेशियो बी समानुपाती है किसके, सी रेशियो डी के, समानुपाती। अब देखो जो भी रेशियो होता है उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए डिवाइड में बी, ये जो साइन होता है ये साइन किसका होता है, समानुपात का। ये किसका साइन होएगा, समानुपात, यानी कि समान अनुपात। मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो समान होता है किसके, सी और डी के। ए और बी का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, सी और डी के। बस इतना सा कंसेप्ट है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। अब ये क्या होएगा आपका, प्रथम अनुपात, ये होएगा द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपने इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर ये चीज। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला यहां से क्या बना, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। मतलब ए और बी का अनुपात है वो किसके बराबर आएगा, सी और डी के अनुपात के। अब यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब बी इंटू सी किसके इक्वल बनते हैं, ए इंटू में डी। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है, फर्स्ट कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, सेकंड अपने को ये ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ये बना किससे था आपका, इससे ही बना था, ए अनुपात बी समानुपात है किसके, सी अनुपात डी के। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे पूछेगा जैसे कि 3:6 समानुपात x, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। तो पूछेगा अभी x की वैल्यू क्या आएगी, तो कुछ नहीं है, 3/6 ये इक्वल आना चाहिए किसके, 8/x के, रेशो सेम आना चाहिए। अब चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे कैसे कर लो, अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 3×x मतलब 3x और 6×8 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा और 3×6 और 8×16, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आएगी। चेक भी कर सकते थे, 3/6 और x की वैल्यू कितनी है, ये 16, तो 3/6 यानी कि 3×3, 3×6 और 8×8 और 8×16। तो देखो a और b का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, c और d के, यानी कि ये समान अनुपात के अंदर है। क्लियर है ये चीज। तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है, आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, इसका और इसका जो रेशियो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू पूछी जाती है अपनों से, वो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अपनों से पूछा जाता है प्रथम समानुपाती, एक पूछा जाता है अपनों से तृतीय समानुपाती, एक मध्यानुपाती। ये क्या पूछा जाएगा आपसे, मध्यानुपाती। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ये अपने को ध्यान रखना है। मध्यानुपाती की बात करेगा तो यानी कि मध्य की वैल्यू निकालनी है, तो मध्य के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है,
बी और सी आ रही है। मध्य के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, बी और सी आ रही है, मतलब अपने को बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर पूछेगा तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती में आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को लेकर क्या चलना है। क्लियर है, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समानुपाती में रहता है, तो कई बार अपने को ये वैल्यू भी इक्वल लेके चलनी पड़ती है। क्लियर है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट 12 पॉइंट 21 व 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है पॉइंट 12 पॉइंट 21 व 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब देखो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, मतलब ए की वैल्यू कितनी है पॉइंट 12 डिवाइड में बी की वैल्यू कितनी है पॉइंट 21 बराबर सी की वैल्यू 8 चतुर्थ अनुपाती, मतलब पूछी किसकी है अपनों से, डी की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी का इधर हो जाएगा मतलब पॉइंट 12 इंटू डी बराबर इसका इधर हो जाएगा पॉइंट 21 इंटू 8। तो यहां से अगर अपने डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट 21 इंटू 8 डिवाइड में पॉइंट 12। क्लियर है चीज। अब यहां से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किससे कट रहा है, 7 से, चाहे आप 7 से काट लो और या तो इसको 4 से काट लो, 4 दुनी 8 और 4 दिए 12, पहले तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 0 से 2 0, 4 दुनी 8 4 दिए 12 और 7 दिया 21 और 7 दुनी 14, तो मतलब जो डी की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 14 आ जाएगी। क्लियर है चीज, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, डी की वैल्यू निकालने दी, 4 से कट रहा है, 4 दुनी 8 4 3 12 3 7 21 यानी कि 7 दुनी 14, तो इसका जो चतुर्थ अनुपाती आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसके अंदर और क्या दे रखा है अपने को, एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को पॉइंट 8 व पॉइंट 2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, पॉइंट 8 व पॉइंट 2 का तीसरा समानुपाती। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है अपने को, बी ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यही बात होगी ए बी सी और डी। अगर तीसरे की बात कर रहा है मतलब अपने को तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने पास वैल्यू भी तो तीन होनी चाहिए, किसकी, ए की, बी की और डी की, अपने पास नहीं है, मतलब अपने पास तो दो ही वैल्यू है, अपने पास तो दो ही है, यानी कि एक तो ए की होगी, एक किसकी होगी, बी की होगी, अब डी की तो वैल्यू दे नहीं रखी, तो जब भी अपने को ऐसी दो वैल्यू दी जाएंगी, दो वैल्यू दे के तीसरा पूछेगा, तब अपने को तीसरा ना निकाल के क्या निकालना है, अपने को चतुर्थ निकालना है, तब अपने को तीसरा ना निकाल के क्या निकालना है, चतुर्थ निकालना है। बात ध्यान रखनी है अपने को, जब अपने को समानुपाती से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर अपनों से तीसरा समानुपाती पूछा जा रहा है कब, जब अपने को दो वैल्यू ही दे रखी है, अब तीसरा पूछ रहा है तो मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू होनी किसकी चाहिए, ए की, बी की और डी की, अब वैल्यू तो दो ही दे रखी है, यानी कि ये ए की हो सकती है और ये किसकी हो सकती है, बी की हो सकती है, ए की है बी की है, निकालनी तीसरे की है तो डी की तो है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपको दो वैल्यू दे के और तीसरा समानुपाती पूछे तब अपने को तीसरा ना निकाल के कौन सा निकालना है, अपने को चौथा निकालना है। अब सर फिर चौथा निकालना है तो तीसरे की वैल्यू क्या लेंगे, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो मतलब पॉइंट 8 और बी की वैल्यू पॉइंट 2 बराबर सी की वैल्यू भी कितनी लेंगे अपने पॉइंट 2, अब यहां से निकाल लेंगे किसकी, अपने डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉइंट 8 इंटू डी बराबर पॉइंट 2 इंटू में पॉइंट 2। क्लियर है, तो यहां से अपने को डी की वैल्यू निकालनी है तो 0.2 0.2 डिवाइड में 0.8। क्लियर है, सबसे पहले एक पॉइंट से एक पॉइंट तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 चौके 8, तो डी की वैल्यू कितनी बची 0.2 बटे 4। अब क्या करेंगे अपने, भी 100 का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे भी कर लो आपको कैलकुलेशन इजी करनी है, 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे कट रहा है ये कितना आ जाएगा 25 चौके 100 25 दोना, अब देखो ये पॉइंट भी हटा सकते हैं अपने, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी आ जाएंगी 3 जीरो आ जाएंगी,
अब देखो 25 दुना 50 डिवाइड में कितने हैं 1000, तो एक जीरो तो कट जाएगी, 5 डिवाइड में 100 तो यानी कि दो जीरो हैं तो दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो जो डी की जो वैल्यू आएगी वो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05। क्लियर है? तो यहां से जो तीसरा समानुपाती आएगा वो कितना आ जाएगा 0.05। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन में यही गलती करते हैं। अगर देखो, अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता 3, 6, 3, 6 व 12 का तीसरा समानुपाती, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, अब देखो दोनों के अंदर फर्क समझ लेना, 3, 6 व 12 का मतलब ये वैल्यू ए की है, ये बी की है, ये डी की, क्योंकि तीसरा तो अपने पूछा है। अब तीन वैल्यू पूरी दे रखी है तो यानी कि अपने सी के निकालेंगे, बट यहाँ पे क्या था, दो वैल्यू दे के तीसरी वैल्यू पूछ रहे, जबकि अपने को तीसरी निकालने के लिए एक चौथी की भी तो चाहिए, तो दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर दो वैल्यू दे के तीसरी वैल्यू पूछेगा तब अपने को तीसरी ना निकाल के कौन सी वैल्यू निकालनी है, फोर्थ निकालनी है। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अपने यही गलती करते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जैसे अपना क्वेश्चन दे रखा है 3 व 4 का तृतीय समानुपाती, 3 व 4 का क्या निकालना है, तृतीय समानुपाती, तो सेम कंसेप्ट, तीसरा निकालना है, दो दे रखे हैं मतलब तीसरा ना निकाल के अपने को कौन सा निकालना है, चतुर्थ निकालना है, तीसरा ना निकाल के कौन सा निकालना है अपने को, चतुर्थ निकालना है, मतलब 3/4 ये तो ए बी की होगी, अब चतुर्थ निकालना है तो सी चाहिए, तो सी भी क्या होगा 4 ही होगा, मतलब डी, तो 3 × d = 4 × 4 16, जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16/3, जो तीसरा समानुपाती आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 16/3। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज को अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जैसे यहां पे दे दिया अपने को 2.4 व 3.6 का प्रथम समानुपाती, 2.4 व 3.6 का प्रथम समानुपाती, इसका आंसर अपने को निकालना है। अब प्रथम समानुपाती की बात कर रहा है, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, ए की निकालनी है, मतलब वैल्यू किसकी दे रखी होगी, बी की भी दे रखी होगी, सी की भी दे रखी होगी, डी की भी। अब जब भी बात करेगा प्रथम की, तो मतलब या तो ये बी सी की वैल्यू होगी और ये वैल्यू किसकी होगी, डी की, क्योंकि अपने को तो दो ही वैल्यू दे रखी है, क्योंकि बी और सी की जब भी दो वैल्यू दे के, तीसरा या पहला कोई भी पूछे दो वैल्यू दे के, या तो ये पूछे या ये अकेला पूछे, अगर ऐसी चीज पूछेगा तो कहीं ना कहीं किसी दो की वैल्यू सेम होगी, यानी कि वो वैल्यू सेम किसकी होगी आपकी, बी की और सी की सेम होगी, मतलब ये वैल्यू ए की तो आपसे पूछी है, तो ये वैल्यू बी सी की हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी होगी, डी की होगी, तो ए तो निकालना है, बी की 2.4, सी की भी 2.4 और डी की कितनी आ जाएगी 3.6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू 3.6 = 2.4 × 2.4। अगर अपने को ए निकालना है तो 3.6 इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में पॉइंट से पॉइंट, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 2.4 में 3 का देंगे तो 0.8 और 0.8 × 2 यानी कि 8 × 2 = 16, तो जो प्रथम समानुपाती आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1.6, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अपने को ध्यान रखना है भी, जब दो वैल्यू दी जाएंगी तब अपने को वैल्यू में क्या डिफरेंस है ध्यान रखना है, तीन दी जाती है तो वो उसकी बात अलग होती है। जैसे अपने को दिया जाता 6, 8 व 16 का प्रथम समानुपाती, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाता 6, 8 व 16 का प्रथम समानुपाती, मतलब प्रथम पूछा है तो ये बी की होती, ये सी की होती, ये वैल्यू किसकी होती, डी की होती। अब अपने को वैल्यू दो दे रखी है, मतलब एक तो डी की होगी, एक ए की निकालनी है, जो ये वाली वैल्यू होगी, अब ये किन्हीं दो की वैल्यू और वो दो कौन कौन सी है, क्योंकि ये दोनों ही तो मध्य में आते हैं, तो ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। क्लियर है चीज? तो प्रथम ही निकाल लिया अपनों ने और तृतीय भी निकाल लिया। अब बात आती है मध्य अनुपाती की, मध्य के अंदर देखो जब भी मध्य अनुपाती की बात करेगा तो मध्य के अंदर बी भी आता है और साथ में क्या आता है, सी भी आता है, यानी कि a/b = c/d। अब मध्य अनुपाती की बात करेगा मतलब बी और सी दोनों आएंगे तो अपने दोनों को x मान लेंगे, क्योंकि अपने लिए तो मध्य में दोनों आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x × x का स्क्वायर, तो a × d, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
a into d, और इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, चार व नौ का मध्यानुपाती, चार व नौ का मध्यानुपाती क्या होगा, क्वेश्चन आएगा कि चार व नौ का मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती मध्य में कौन कौन से आते हैं, बी और सी आएंगे, मतलब ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू किसकी है, डी की है, तो मतलब पुट्टी तो करना था, चार इंटू नौ यानी कि 36, और 36 का कितना आता है 6, तो चार व नौ का जो मध्यानुपाती आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये वाला जो आपका कंसेप्ट था ये क्या था, आपका प्रथम अनुपाती का, तृतीय अनुपाती का और मध्य अनुपाती का, तो इसके अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, भी कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो वो समानुपाती में हो जाती है, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो वो समानुपाती में हो जाती है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है मेरे पास 13, 45, 18 व 60 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे समानुपाती हो जाएं, कि वे समानुपाती हो जाएं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 13, 45, 18 व 60 संख्याएं हैं, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे समानुपाती, मतलब 13/45 और 18/60 पूछा है, इसमें प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, सब में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े भी इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए, और अपने को ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3, 7, 5। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने को किससे सोल्व आउट करना है, ये वाला क्वेश्चन विद ऑप्शन से सोल्व आउट करना है, बहुत ही इजी होएगा। कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, मान लो अगर मैं एक ले रहा हूं तो 13 और 1 कितने बनते हैं 14, 45 और 1 46, 18 और 1 19, 60 और 1 61। क्या कभी भी इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, इधर 14 इधर 19, नेड़े-तेड़े नहीं है। 3 रखे देखो, 13 और 3 16, 45 और 3 48, 18 और 3 21, 60 और 3 63। अब देखो करके देखो, 16 एकम 16, 16 दिया 48, 21 एकम 21, 21 दिया 63, यानी कि 1/3, 1/3 समानुपाती हो गया ना, तो कौन सा अंक जोड़ा है सबके अंदर, 3, तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहां से 3 बनेगा। क्लियर है ये चीज। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने को ध्यान रखना, ये भी किससे रिलेट करता है, आपका समानुपात से रिलेट करता था। ये जो आपके टाइप थे मेन अपनों ने कवर कर लिए, क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क के लिए, और हमारा जो अनुपात समानुपात के जो भी इंपोर्टेंट टाइप थे उनको अपनों ने डिस्कस कर लिए है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिन्होंने भी अनुपात समानुपात की पिछली जितनी भी क्लासें हुई है नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क है ये, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन है भी तीन संख्याएं हैं उनका रेशियो दे रखा है 1:2:3, और इन संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 2, 3, 6, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है आपका तीन संख्याएं हैं ए बी और सी जिनका रेशियो है 1:2:3, और इन संख्याओं के वर्गों का यानी स्केयर का एडिशन दे रखा है कितना 2, 3, 6, और अपने को ए की वैल्यू बतानी है भी ये कितना आएगा। ये था हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर जो अपनों ने डिस्कस किया, कल की क्लास के अंदर हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।